इधर दिखाएंगे भैया, अभी हम रेस्क्यू लोकेशन पर आ गए, अभी देखते कौन सा स्नेक है। एक ही जगह बैठ गया क्या? हाँ यार, 5-7 दिनों से परेशान हो रहे हैं यार। अब जितने भी अपने भगा भी तरीका आते हैं, अपन ने भी सब करके देख लिया। कहाँ पर बैठा? ये यहाँ पे ईंट है ना, जई वाली पुल में हो। इधर की जी, नीचे नीचे इसमें इस वाले होल में स्नेक जैसा भैया बता रहे हैं। 5-7 दिन से दिख रहा है अपन को। 5-7 दिन हमें एक गांव से एक स्नेक रेस्क्यू के लिए कॉल आया। लोगों ने बताया कि उनके घर के आसपास वो 6-7 दिन से किसी स्नेक को देख रहे हैं, एंड उन लोगों के हिसाब से अभी वो स्नेक नीटों के अंदर होना चाहिए। एक दिन में बिता जाए। फन मन बना रहा था कुछ? नहीं। कैसे कलर का होगा? ब्लैक कलर का है। ब्लैक है या हरा तो नहीं कहीं? काले कलर का जी। वो जी ये भूल ना सा, फोटो से तो समझ ही नहीं आ रहा वो बिल्कुल। अच्छा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं। छोटा ही है क्या? और कि ज़्यादा बड़ा नहीं, पटाना पड़ेगा। थोड़ा हटा के तो देखना पड़ेगा अपन को जगह। जवारी पोल में देखी भाई, इधर कहीं। हाँ जी, जई में देखो, इसमें दिख तो नहीं रहा है। ईंटें हटाने दे, हटानी पड़ेगी अपन को। ईंटें हटाना चालू करते हैं। एक कोई ना इधर आ जाओ, इधर से नजर रखना। गोल तुझे साइड निकलेगा तो साइड दिख जाएगा अपन को। का जय बारी पोल में है तो ना मम्मी। कितनी देर हुई होगी आखिरी बार? जे मैंने फोन लगाया तो ना, जे के 5 मिनट पहले ही देखो तो हमारे लाने। वैसे तो ईंटों में अंदर अंदर भी निकल सकता है तो उधर। केचुली नहीं है? हाँ जी जी। नहीं नहीं, अभी केचुली नहीं है। देखा क्या? हाँ ये रही ना, यहाँ पर स्नेक की स्किन है। छोटे ही स्नेक की स्किन है, मे बी वुल्फ स्नेक हो सकता है ये ना। मतलब बहुत दिनों से ऐसा ही कह रहे हैं भैया, उन्हें 5-6 दिन से दिख रहा है ना। और का ईटों के अंदर स्नेक स्किन को देखकर लाभ को लगा कि ये स्किन वुल्फ स्नेक की होगी, जो कि नॉन वेनमस होता है। 5-6 दिन हो गए भैया। 5-6 दिन हो गए। हम बाहर भगा भी कोशिश करी, हमने मिर्ची धरी, लेकिन वो कोई भगो ही नहीं है। 5-6 दिन से एक ही जगह बैठा। हाँ, एक ही जगह है वो। थोड़ा सा निकल के आ जाए, फिर दोबारा भीतर घुस जाए, फिर दोबारा परेशान हुआ आगे, फिर तुमने कहा फोन लगाओ। हमने चलो पूरी दीवार में ही घूम रहा है। अच्छा, यहाँ भी पड़ी हुई है केचुली उसकी। वो पोल कहाँ थी भैया? ये वाली थी क्या? हाँ जी वाली। वो पूरी दीवार में कहीं ना कहीं मिल रही है। ईंटों में ही देखना पड़ेगा। एक कोई इधर और देखते रहो, साला कहीं भी निकल सकता है इधर इधर। यहाँ मिट्टी है ना, इसलिए यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेगा। आके बैठा है यहाँ। इतने क्यों हटाएगा भैया? हटानी पड़ेगी थोड़ी सी, और ये वाली तो कुन्नी। हाँ, इनमें ही गड्ढे ज़्यादा जा रहे हैं ना। ऊपर हाथ रख के उठाओ ईंट पे। नीचे बैठो, अपन ने तो ये पहुंचा दई वहां किधर। नहीं, वो अपन इधर के हटा के देख लेते हैं। आप इससे हटा लो हाथ, मतलब सवेरे को तो देख रहा था, 2-3 बार देखा वो। अरे सवेरे ही देख रहा था। एक बार पहले दिख तो जाए सांप कौन सा है। हाँ वही, पूरी जगह ऐसी मिल रही है ना उसको। टिल्लू इतना सा और ऊपर से हटा दे, थोड़ा सा अपन नीचे की ईंटें दूर कर लेते हैं। अब थोड़ी थोड़ी एक एक लाइन, वो नीचे के नीचे ही सरक जाएगा फिर तो। ये रहा जाम है भैया, देख कहाँ है। कुछ और है क्या? वो कुछ नहीं दिखा। कहाँ देखा था आप? छपकली तो नहीं है? अभी एक छपकली भी है थी वहाँ। किस साइड देखा था आपको? अभी जाई कहीं वो कुछ ताज है। जगह तो बहुत है इसके अंदर, जगह तो पूरी है, वो कहीं भी घूम रहा होगा। इन
ईंटों के अंदर बहुत ज़्यादा गैप था एंड ईजिली कोई भी स्नेक इन गैप से ट्रैवल करके ईंटों के दूसरी साइड निकल सकता था, जिस वजह से हमें इन ईंटों के ढेर के अंदर स्नेक मिलने के चांसेस बहुत कम लग रहे थे। थोड़ी सी दूर कर लो ईंटें, बस इतना दूर कर लो नीचे वो अपनी आवाज आ रही संत ही बंका वो ये तो चबूतरे तक ही आ रही है पूरी और क्या नहीं जी जाएं तक होंगे भाई। अच्छा अपन ने जिवाली ईंट हटाई थी ना जी यहीं पे, ये कही जगह कम से कम 5 दिन से दिखाई दे रहा भैया वो गुरुवार से देख रहा। अपन ने ईंट हटाना चालू करी तो शायद बैठा हो अंदर अंदर निकल लिया हो, दिखा तो नहीं वो वैसे अभी तो अंदर ही अंदर घूम रहा हो, या तो शायद निकल भी गया हो जब अपन ने नज़र नहीं मारी तब, लेकिन अभी गर्मी जैसे हो रही हो हिसाब से बाहर तो नहीं छुपने ही बैठेगा इसमें। गुरुवार के रोज से देख रहा है अमरीला बहुत दिन हो गए मतलब, और उसमें केचुली भी पड़ी है वो तो फसल कहीं हो कहाँ पे तुमने अभी अली टटाई कार हो हाँ कार कहाँ पे क्या जाए क्या इस जगह ईट हटाई थी ना जगह मुझे ईट बता दो जी तुम्हारा हाथ है ना कहीं देखिए यहाँ हाँ जी इससे अंदर आई दूसरी अरे काल है और ये बुरो के दो मिनट यहाँ दिख तो नहीं रहा यार। अरे उससे ही नजर रखना भैया आप, अपन ने वहाँ की हटाई दी हम निकलेगा दिखेगा। नहीं नहीं उधर तो एक छिपकली है पहले से दिख गया यहाँ पर है स्नेक। अब दो मिनट भैया मेरे को स्टिक दो, रुक जाओ भैया वहाँ से पैर हटाओ वहाँ से हट जाओ मैं देख लूँगा यही क्या था ना। हाँ जी रिकॉर्ड की रुकना दो सेकंड रुक जाओ मैं निकाल लूंगा अब दिक्कत नहीं आप कहीं नहीं जा पाए। अजीब तरह का सांप है तो आ गया जीरो। तो यहाँ पे ये एक चेकर्ड कील बैग है जो भी केंचुली में ही है, पानी वाला है बिना जर का सांप है। अच्छा पानी वाला है तो फिर भी डर लगे। अरे जैसे ही तो हमें डर लग रहा, तो आज 4-5 दिन हुआ है भाई साहब वो केंचुली के चक्कर में ही पड़ा था। वो तो हम इसको छोड़ देंगे जंगल में, उसकी चिंता मत करो। और कभी तो भाई पता ही ले जाएंगे मटांग में छोड़ देंगे। हाँ कांचुली आज हमारा सफल होगा जहाँ पे इनने आ गए भैया ने इनने हमारे सांप के खाए पकड़ के ले जा रहे हैं। डर है तो ये छोटे छोटे मोड़ मोड़ इनको ये तो ऐसे होते घूमते रहते हैं फिरते रहते हैं और छोटे छोटे बच्चे। तो ये रेस्क्यू डन, अब तो कोई परेशानी नहीं रहेगी 5-6 दिन की। अभी हमने जो चेकर्ड किल बैग रेस्क्यू करा था उसको रिलीज करने आ गए, जल्दी से इसको रिलीज कर देते हैं यहाँ पर। हमारी सिटी के एक गवर्नमेंट ऑफिस से हमें कॉल आया, लोगों ने बताया कि उन्होंने एक क्यूबिकल के अंदर स्नेक को देखा है, तो जल्दी से हम उस लोकेशन पे पहुंचे। कितनी देर पहले 20 मिनट उसके बाद नहीं दिखा, फिर नहीं दिखा इसके नीचे था यहाँ से यहाँ तक और कहीं तो नहीं गया इसके अलावा। अब फिर वो पता है मैं डंडा लेने चला गया फिर कहीं घुस गया होता पर मैंने यही देखा। तो अभी हम रेस्क्यू सीन पे आ चुके हैं, उन्होंने बताया था कि उनको स्नेक यहाँ पर स्पॉट हुआ था देन उसके बाद उन्हें नहीं दिखा था। तो अभी मैंने कमरे को थोड़ा एग्जामिन करा तो मुझे यहाँ पर एक स्नेक दिखा है
अब वहाँ पर देखना है कौन सा स्नेक है, अभी मैंने आईडी नहीं कर पाया हूँ, बस देखा ही है, तो कूलर हटा के देखते हैं कौन सा स्नेक है। कहाँ गया ये? अंदर निकल गया शायद, हाँ इस साइड निकल गया, हाँ इसको करो। दिख नहीं रहा उसमें। एक बार वो इधर कुछ अंदर आ गया क्या? लग तो चेकर्ड रहा था। से कूलर देखो सही से, इसमें अंदर नहीं चला गया। बहुत छोटा है, बच्चा है अभी नया। यहाँ से दर्द तो नहीं आया अभी ना, है इतने से एरिया में, इसमें तो नहीं है सर। कूलर में लगा अंदर एक बार, कूलर तो उधर देख ले पूरा लेफ्ट में। इधर आते तो नहीं देखा। पॉसिबल ही नहीं इतना चढ़ना तो, वैसा हो सकता है लाभ, लेकिन तो ऐसे पूछ दिखी हो। मुझे पूरा स्नेक दिखा ना? हाँ वो बहुत पतला है, मुझे लग रहा है रेड स्नेक का बच्चा है। कूलर में ही रहेगा। नहीं दिख रहा, मैंने देखा इसके बीच में हल्की सी जगह है ना, वो जगह में गया है। अच्छा फ्रेम में गैप है, फ्रेम में गया होगा। हाँ ये जो कट दिख रहा है ना, उस कट में चला होगा। हाँ वही स्टैम्प के अंदर हो सकता है। हमें लग रहा था कि ये स्नेक किसी रूम में जाके छिपा हुआ है, लेकिन जैसे ही लाभ ने उसे उस फ्रेम में से निकलते हुए देखा, हमें समझ आया कि इस फ्रेम में बहुत ज़्यादा जगह है एंड ये स्नेक इसमें जाके बैठ रहा है। अब इस फ्रेम से स्नेक को निकालना बहुत डिफिकल्ट होने वाला था। तो वो मे बी फ्रेम के अंदर गया है, ज़्यादातर चांसेस यही है क्योंकि उधर भी नहीं निकला है। फ्रेम रहती है पूरी अंदर से खाली रहती है, सच कुछ भरी नहीं रहती है। तो वहाँ से एक कट है, अगर आप देखेंगे तो वो कट के अंदर से अंदर चला गया है, वो सब थोड़ी देर के लिए दिखा था। चेकर्ड का बच्चा है, ट्रिंकेट मे बी कॉमन ट्रिंकेट। हाँ कॉमन ट्रिंकेट बाहर ऐसे नहीं आएगा, अच्छे से डूबने से ही बाहर आएगा। जैसे उसमें वो कंपन लग रहा है नहीं बोल रहा, 10 मिनट रुक जाते मेरे हिसाब से, है ना। फ्रेम को ठोकने पर भी वो ट्रिंकेट बाहर नहीं आ रहा था, जिस वजह से हमने 10-15 मिनट वेट करने का डिसाइड किया एंड वो फ्रेम से ट्रेवल करते हुए दूसरे क्यूबिकल की अलमारी के पीछे निकल गया। गया बाने पकड़ लो भैया, उन्होंने पकड़ लिया। कोबरा नहीं है ना ये? कोबरा नहीं है ना, कोबरा नहीं है ना, कोबरा नहीं है, कॉमन ट्रिंकेट बोलते हैं हिंदी में, सीता के नट बोलते हैं। पकड़ो तो बिना जहर वाला सांप है, जहर इसमें होता नहीं है। बच्चा है अभी, अंडे से निकला हुआ, हफ्ते भर में ही अभी, छोटा सा बच्चा। इसके आगे ये बॉक्सेस बने हुए हैं और पीछे ऐसी लाइन जाती है, उसको सीता की लट बोलता बने। बिना जहर का सांप है, पेड़ों पर है, मेरे रूम में निकला है, क्यों उधर से ही आया आके थे। तो अभी हमने जो बेबी ट्रिंकेट रेस्क्यू करा था कलेक्ट्रेट ऑफिस से, उसे हम रिलीज करने आ गए हैं। हम एक ऐसी लोकेशन पे आए हैं यहाँ पे ट्रिंकेट आराम से बड़ा हो सकता है और इसे किसी ह्यूमन से खतरा नहीं रहेगा, बाकी इसका सर्वाइवल इसके ऊपर है। तो अभी इसको हम यहाँ पे रिलीज करते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है ये बेबी, तो अभी हम यहाँ पे इसको रिलीज़ कर देते हैं।